देश की आवाम को जिस पल का इंतजार था आखिर 23 मई 2019 को वो पल आ गया। देश में लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आ चुके हैं और सुबह रुझानों से ही एनडीए ने अपनी पकड़ नतीजों पर मजबूत बना ली थी और मोदी मैजिक फिर एक बार चलता दिखाई दिया। दोपहर 1 बजे के करीब ही रुझानों में भाजपा लगभग 345 के प्रचंड बहुमत से जीत चुकी थी और वहीं मुख्य विपक्षी दल यूपीए से 100 के आंकड़े से भी दूर रहा। आपको बता दें कि 2014 में जब पहली बार मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव लड़ा गया था और उस समय एनडीए को बहुमत के साथ 282 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस मात्र 44 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन 5 साल बाद भी विपक्ष द्वारा मोदी के कड़े विरोध के बीच मोदी लहर को राहुल गांधी केवल सुर्खियों में चुनौती देते रहे। असल परिणामों में कांग्रेस का हर दाव बेकार गया। भाजपा की इस प्रचंड जीत के बाद जब अर्थ प्रकाश की टीम शहर का दौरा करने निकली तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में जीतने की खुशी साफ देखने को मिली और सिटी ब्यूटीफुल ढोल नगाड़ों की धुन से गूंज उठा। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा और कामना करूँगा। उन्होंने पिछले 5 साल जो बिताए उसमें आपकी भूमिका बिताए, अभी के जो 5 साल आएंगे सभी की तरह चलेंगे और देश के भविष्य को तय करेंगे। देश में डेवलपमेंट, विकास का मुद्दा, अपना एजुकेशन का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा, ये जो अपने जितने मुद्दे देश में मुझे खड़े किए थे तकरीबन मैं कहता हूँ उसने 5 साल में अपने वादे से निभाए किए और वो वादे रह गए हैं। उन बातों को आने वाले 5 साल में और देश को जो है वो आगे तक लेके चलते, जैसे सूर्य के साथ धंधे करना, पढ़ाई होना, अपना इसी देश में अपने मतलब जो उग्रवाद को इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाना, अपने देश से ये काम किया। मैं कहूँ कि आज जो आदमी है उनको स्वागत करता हूँ और उनकी लंबी आयु का मैं वहाँ से प्रावधान रखता हूँ। आने वाले 5 साल में और देश के लिए इतना कुछ करेगी, इतना कुछ करेगी, हमारा देश बिल्कुल नया भारत है। सीटों में कुछ बढ़ोतरी है उसको लेकर क्या कर रहे हैं? सीटों में जो बढ़ोतरी हुई है ये एक लड़ाई में अच्छाई की है। जैसे 5 साल पहले काम आती आई थी, अब सुनामी आई है। पहले हिंदी भाषण में धर्म में कहा था 300 के पार जाएंगे, मैं कहता हूँ 300 के पार हो गया, अब हम जाएंगे 350 के पार। मेरा दिन तो बहुत खुश है, मैं कहता हूँ जितने एक मुद्दे हैं सारे देश सेवा के जितने हम देश सेवा में कर रहे हैं, अपने आपको देश सेवा में बनाया तो जितने भी अपने हिंदुस्तान में आएंगे सारे देश भावना से काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, शहर के लिए काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश की जनता को, नमन करना चाहूंगा देश की जनता को, भारतवर्ष की जनता को, और नमन करना चाहूंगा अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को, जिनके कारण देश में चारों तरफ आज मोदी जी की लहर दिख रही है। और मैं नमन करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे अमित शाह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई उन योजनाओं को सारी देश तक लेके गए, उन योजनाओं को लागू किया। जो विपक्ष ने एक नाकाम कोशिश की देश को तोड़ने की, जातवाद से, धर्म से अफवाहें फैलाकर देश की जनता ने उन अफवाहों को नकार दिया, देश की जनता ने उस जातवाद को नकार दिया, जातवाद से, धर्म से ऊपर उठकर विकास को देश की जनता ने वोट डाला है। मैं बहुत बहुत नमन करना चाहूंगा। आज पूरे देश में मोदी जी की जो सुनामी आई है और जिस विकास को उन्होंने वोट किया है, जो रुझान आ रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये रुझान आंकड़ों में बदलेंगे, जीत में बदलेंगे, बड़ी जोरदार जीत होगी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे हम टीवी में देख रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से हम देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी खुशी की लहर है। सभी चाहते थे कि एक विकास पुरुष भारत में आए ताकि इंटरनेशनल रिलेशन सुधरे और सारे विश्व में एक तरीके से मोदी जी का जो डंका बज रहा है वो बजता रहे और सारे विश्व में और मुझे विश्वास है कि सारे विश्व को अगर शांति और विकास के लिए अग्रसर होना है
तो मोदी जी ही एक एकमात्र माध्यम है जो पूरे विश्व को लीड कर सकते हैं, एक मार्ग दे सकते हैं। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।